प्रिय विद्यार्थियों, कक्षा दसवीं गणित प्रश्नावली 1.3 प्रश्न क्रमांक 2, इसका एक क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। अब यहाँ प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 3+2^5 एक अपरिमेय संख्या है। अब इस क्वेश्चन को हम विपरीत मानकर हल करते हैं। तो दिया गया है अपरिमेय और हम मानेंगे परिमेय, तो हम यहाँ लिखते हैं माना 3+2^5 एक परिमेय संख्या है। जो दिए गए के विपरीत मान रहे हैं, हम दिए गए के विपरीत हम मान रहे हैं। तो हमने क्या माना, 3+2^5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय को हम P/Q के रूप में लिखते हैं, और जहां Q बराबर नहीं है जीरो के, जहां Q बराबर नहीं है जीरो के, ठीक है। तो Q बराबर नहीं है जीरो हमने लिख दिया। अब हम एक काम करते हैं, 2^5 बराबर P/Q, जो इधर प्लस में 3 है इसका पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, और ये हमें प्राप्त होगा 2^5 बराबर। अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पर हम इसका लघुतम ले लेते हैं, तो ये हमारा आया Q, ठीक। अब Q से Q हो गया तो ऊपर बचा हमारा P और यहाँ बचा 3Q। एक दूसरा तरीका और बताता हूँ लघुतम के अलावा, आप P का गुणा 1 में करेंगे P1 P, Q का गुणा 3 में करेंगे 3Q, और इसका गुणा भी इसमें करेंगे। इस प्रकार का आप गुणा करेंगे तो आपको ये गुणनखंड ये मिल जाएगा, P1 P, Q का 3 में गुणा करेंगे और नीचे वाले का नीचे वाले में, तो ये Q प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ हम रखते हैं 5 बराबर P-3Q/Q, यहाँ से जो 2 था गुणे में था वो भाग में चला गया, तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है, यहाँ आपको लिखना है, चूंकि P और Q क्या है, पूर्णांक है, P Q, और 2 और 3 भी क्या है, आपके पूर्णांक है, अगर P Q 2 और 3 पूर्णांक है तो ये परिमेय संख्या होगी। तब P-3Q/2Q क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय है तो सामने वाला क्या होगा, करणी 5 भी क्या होगा, इसलिए करणी 5 भी परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है, जो कि असत्य है। क्योंकि हमने पिछले सवाल में देखा था करणी 5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको लिखना है, यह हमें विरोधाभास हो रहा है ना, तो करणी 5 भी परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, असत्य है। अतः हमारी कल्पना गलत है, ठीक है, क्योंकि करणी 5 क्या है, फिर एक अपरिमेय, या लिख देंगे आप, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। करणी 5 एक अपरिमेय संख्या है। आप लिख सकते हो हमारी अवधारणा गलत है या हमारी कल्पना, हमने गलत मान लिया था शुरू में, परिमेय मान लिया था, तो हमारी अवधारणा गलत, गलत है ना, क्योंकि 3+2^5 एक अपरिमेय संख्या। अतः हम कह सकते हैं, आपको लिखना है, अतः हम कह सकते हैं कि सवाल क्या था, 3+2^5
एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको समझ में आया होगा, पता हूं ये आपको समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा, वो सवाल ऐसा है, अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि एक बटे कर्ण दो एक अपरिमेय संख्या है। क्या है? एक बटे कर्ण दो एक अपरिमेय संख्या है। अब सबसे पहले इसको हम थोड़ा सही कर लेते हैं, एक बटे कर्ण दो का हम हर का परिमेयकरण कर लेते, तो ये मिलेगा हमें करणी दो का हम ऊपर भी गुणा कर ले, करणी दो का हम नीचे भी गुणा करते, तो हमें प्राप्त होता है करणी दो एकम करणी दो, और इस करणी दो का गुणा दो में होगा तो क्या मिलेगा हमें करणी दो। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, माना करणी दो बटे दो एक, ये अपरिमेय है, हम परिमेय मान ली, एक परिमेय संख्या है। अब करणी दो बटे दो बराबर हम क्या मान ले, p बटे क्यू, और आप लिख दो q बराबर नहीं है जीरो के। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे, इस ये बराबर में क्रॉस गुणा होता है, इसका गुणा किया तो ये मिला करणी दो q बराबर दो p। अब यहां पर हम q को रखते हैं, सॉरी यहां पर हम करणी दो को रखते हैं और दो पी के बटे में क्यू। अब आप देखिए यहां दो पी बटे क्यू है, तो पी और क्यू क्या है आपका, पी कामा क्यू, और ये दो भी क्या है, पी क्यू व दो भी पूर्णांक है, तब ये दो पी बटे क्यू क्या एक परिमेय संख्या होगी, दो पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या होगी। जब ये दो पी बटे क्यू एक परिमेय संख्या है तो करणी दो भी क्या है, इसलिए करणी दो भी परिमेय संख्या होगी, जो कि क्या है, गलत है, असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं अभी हमने करणी पांच का देखा था, करणी पांच क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, उसी प्रकार करणी दो भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने लिखा कि करणी दो भी एक परिमेय संख्या है, जो कि गलत है, क्योंकि हम जानते हैं करणी दो एक अपरिमेय संख्या है। तो आपको लिखना है हमारी अवधारणा गलत है, अतः हम कह सकते हैं ये जो सवाल है हमारा, एक बटे करणी दो एक अपरिमेय संख्या है। यह भी आपको समझ में आया होगा। अब हमारे पास है सात करणी पांच एक अपरिमेय संख्या है, ये हमें सिद्ध करके बताना। तो हम लिखते हैं अपरिमेय है, तो हम हर बार विपरीत मानकर इस क्वेश्चन को हम हल कर रहे हैं। माना सात करणी पांच हमने क्या मान लिया, एक परिमेय संख्या, एक परिमेय संख्या है, और सात करणी पांच के बराबर हमने मान लिया पी बटे क्यू, जहां क्यू बराबर नहीं है जीरो। अब यहां हम रखते हैं करणी पांच और ये लिखा मैंने पी बटे क्यू, या सात गुणे में था, इसको हमने भाग में भेज दिया, ये बन गया सात क्यू, क्या बन गया सात क्यू। अब देखिए आप p और q क्या है, ये p और q परिमेय जैसा है, तो आप लिखना है क्योंकि पी क्यू और ये सात भी क्या है पूर्णांक, तब p बटे सात क्यू क्या है, तब p बटे सात क्यू एक परिमेय संख्या है। क्या है ये, एक परिमेय संख्या होगी, इसलिए इसके सामने करणी पांच, तो करणी पांच भी परिमेय संख्या होगी। लेकिन हम पिछले दो क्वेश्चन में हम देख चुके हैं करणी पांच क्या है, एक अपरिमेय है, तो हमने लिखा इसलिए करणी पांच भी परिमेय संख्या होगी, जो कि असत्य है, गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि करणी पांच एक अपरिमेय संख्या है। अतः हम कह सकते हैं हमारी अवधारणा गलत है, अतः हम कह सकते हैं कि सात करणी पांच एक अपरिमेय संख्या है। यह आपको समझ में आया होगा। अब अपने पास है छह प्लस करणी दो एक अपरिमेय संख्या, यह सिद्ध करके हमें बताना। तो आपको लिखना है माना छह प्लस करणी दो, हम हर बार दिए गए के विपरीत मानते हैं, और एक विधि है विरोधोक्ति विधि, उस विधि से हम इसको हल कर रहे हैं।
छः प्लस करणी दो, हम छः प्लस करणी दो को एक परिमेय मान ले, छः प्लस करणी दो एक परिमेय संख्या है। अब छः प्लस करणी दो परिमेय माना मतलब पी बटे क्यू के रूप का है, और जहाँ क्यू बराबर नहीं है जीरो। अब यहाँ करणी दो आप ऐसा रखेंगे पी बटे क्यू, और यहाँ जो छः था वो आप माइनस में भेज दो, तो करणी दो बराबर यहाँ आप इसका लघुतम लेंगे तो नीचे आएगा q, और q एकम q तो यह p ऐसा ही रह जाएगा, और यहाँ बचेगा 6q। अर्थात देखिए आप p और q क्या है, p और q पूर्णांक है, क्या है p q, और ये 6 जो है ना ये भी क्या है पूर्णांक है। तब ये संख्या कैसी है, तब p माइनस 6q बटे q एक परिमेय संख्या होगी है ना, तो परिमेय संख्या होगी, तो करणी दो भी क्या है, इसलिए करणी दो भी परिमेय संख्या होगी, जो कि गलत है, जो कि असत्य है, क्योंकि हम जानते हैं ये करणी दो एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम जानते हैं करणी दो एक अपरिमेय संख्या है, अतः हमारा मानना गलत है, हमने गलत मान लिया, हमारी अवधारणा गलत है, अतः हम कह सकते हैं छः प्लस करणी दो एक अपरिमेय संख्या है। इन सवालों को मैंने बहुत सरल तरीके समझाने का प्रयास किया है, आप पिछले वीडियो सारे देखेंगे तो आपको उम्मीद करता हूँ समझ में जरूर आएगा।